नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल टारगेट विद मलिक में। आज हम 8 अप्रैल 2020 की नेशनल करंट अफेयर करेंगे और आज के करंट अफेयर की PDF वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हिंदू पुरस्कार 2019 से किन्हें सम्मानित किया गया है? हमारे ऑप्शन है मिर्जा वहीद, संतनु दास, ए एंड बी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ए एंड बी, मिर्जा वहीद और संतनु दास दोनों को। मिर्जा वहीद और संतनु दास को हिंदू पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है। उन्होंने यह पुरस्कार उनकी कथाओं के लिए दिया गया है। मिर्जा वहीद की टेल हर एवरीथिंग और संतनु दास द्वारा लिखित इंडिया एम्पायर एंड फर्स्ट वर्ल्ड वार कल्चरल राइटिंग इमेजेस एंड सॉन्ग को क्रमशः कथा और गैर कथा श्रेणियों में साहित्य पुरस्कार हिंदू पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हिंदू पुरस्कार 2010 से उन लेखकों को सम्मानित करने के लिए स्थापित किया गया था जिन्होंने अपने जीवन काल को अपने शब्दों और विचारों के माध्यम से मानव आत्मा के खनन में खर्च किया है। हिंदू पुरस्कार की स्थापना 2010 में की गई थी, पहली बार कब दिया गया था 2010 में। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस भाषा के मशहूर संगीतकार M.K. अर्जुन का हाल ही में निधन हो गया है? हमारे ऑप्शन है हिंदी, उर्दू, मलयालम, तमिल। इसका सही आंसर है मलयालम। मलयालम के मशहूर संगीतकार M.K. अर्जुन का हाल ही में निधन हो गया है। वे 84 वर्ष के थे। उन्होंने 5 दशक के लंबे करियर में 700 से अधिक गानों को संगीत दिया था। उन्होंने वर्ष 1968 में करुणा पूर्णिमी में एक संगीतकार के रूप में अपनी शुरुआत की थी। हमारा अगला प्रश्न है, IT उद्योग की संस्था नोसकॉम ने किस कंपनी के COO प्रवीण राव को अध्यक्ष नियुक्त किया है? हमारे ऑप्शन है विप्रो, टाटा, इन्फोसिस, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है इन्फोसिस। IT उद्योग की संस्था नोसकॉम ने इन्फोसिस कंपनी के COO प्रवीण राव को अध्यक्ष नियुक्त किया है। वे अब WNS ग्लोबल सर्विसेज के समूह के CEO केशव मुरुगेश की जगह लेंगे। नोसकॉम की फुल फॉर्म है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी। नोसकॉम का मुख्यालय है नई दिल्ली में। इसकी स्थापना 1 मार्च 1988 को। इसके अलावा एक्सचेंजर इंडिया की अध्यक्ष और वरिष्ठ प्रबंधक निदेशक रेखा एम मेनन उद्योग निकाय की उपाध्यक्ष होंगी। हमारा अगला प्रश्न है, EPFO रिकॉर्ड में जन्म की तिथि को सुधारने के लिए किस डॉक्यूमेंट को मान्यता दे दी गई है? हमारे ऑप्शन है ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है आधार कार्ड को। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO रिकॉर्ड में जन्म की तिथि को सुधारने के लिए आधार कार्ड डॉक्यूमेंट्स को मान्यता दे दी गई है। अब से PF सदस्य EPFO रिकॉर्ड में अपनी जन्म तिथि आसानी से सुधार सकेंगे। EPFO की फुल फॉर्म है इम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 4 मार्च 1952 में। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। आधार कार्ड की शुरुआत कब की गई थी? 28 जनवरी 2009 को। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। हमारा अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी विस्फोट और भूकंप के शुरुआती चेतावनी संकेत देने वाले एक नए सैटेलाइट को किस अंतरिक्ष एजेंसी ने लॉन्च किया है? हमारे ऑप्शन नासा, इसरो, DRDO, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है नासा ने। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने ज्वालामुखी विस्फोट और भूकंप के शुरुआती चेतावनी संकेत देने वाले एक नए सैटेलाइट को लॉन्च किया है। यह उपग्रह से उपलब्ध आंकड़े ऊष्म क्षेत्र की पहचान करने में मदद करेंगे। नासा की फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसका मुख्यालय है वाशिंगटन में। इसके अध्यक्ष हैं जिम ब्रेडेनस्टाइन। इसकी स्थापना कब की गई थी? 29 जुलाई 1958 में। हमारा अगला प्रश्न है, कन्नड़ फिल्म के प्रसिद्ध कॉमेडियन बुलट प्रकाश का हाल ही में कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया है? हमारे ऑप्शन है 44 वर्ष, 55 वर्ष, 65 वर्ष, 78 वर्ष। इसका सही आंसर है 44 वर्ष। कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के प्रसिद्ध कॉमेडियन बुलट प्रकाश का हाल ही में 44 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्होंने लगभग 300 से अधिक फिल्मों में काम किया था। हमारा अगला प्रश्न है, 8 अप्रैल 1857 को भारत के किस स्वतंत्रता सेनानी को फांसी दी गई थी? हमारे ऑप्शन है बिरसा मुंडा, मंगल पांडे, भगत सिंह, सुखदेव। इसका सही आंसर है मंगल पांडे को।
8 अप्रैल 1857 को भारत के स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। मंगल पांडे ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अंग्रेजों पर पहली गोली चलाई थी। अगला प्रश्न है, 8 अप्रैल को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? हमारे ऑप्शन है इंटरनेशनल रोमानी डे, इंटरनेशनल वीमेन डे, इंटरनेशनल मैन डे, इंटरनेशनल साइंस डे। इसका सही आंसर है इंटरनेशनल रोमानी डे। 8 अप्रैल को विश्व भर में इंटरनेशनल रोमानी डे मनाया जाता है। यह दिवस रोमानी संस्कृति को बढ़ावा देने और लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस के कारण किस देश में भारत के डॉक्टर जितेंद्र कुमार राठौड़ का निधन हो गया है? हमारे ऑप्शन है चीन, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका। इसका सही आंसर है ब्रिटेन। ब्रिटेन में हाल ही में कोरोना वायरस के कारण भारत के डॉक्टर जितेंद्र कुमार राठौड़ का निधन हो गया है। उन्होंने 1977 में बॉम्बे विश्वविद्यालय से चिकित्सा की पढ़ाई की थी तथा बाद में ब्रिटेन चले गए थे। ब्रिटेन की राजधानी है लंदन। इसके प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी ISSF रैंकिंग में 10 मीटर एयर राइफल में दिव्यांश सिंह पवार और अलावेनील और वलारिवान ने कौन सा स्थान हासिल किया है? हमारे ऑप्शन पहला, दूसरा, तीसरा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है पहला स्थान। हाल ही में वर्ल्ड बॉडी इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन के द्वारा जारी ISSF रैंकिंग में 10 मीटर एयर राइफल में पुरुष कैटेगरी में दिव्यांश सिंह पवार और महिला कैटेगरी में अला वेनिल और वलारिवान ने पहला स्थान हासिल किया है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? हमारे ऑप्शन 4 मार्च, 5 मार्च, 6 मार्च, 7 मार्च। इसका सही आंसर है 7 मार्च को। हाल ही में वर्ल्ड डे 7 मार्च को हर साल मनाया जाता है। वर्ष 2020 विश्व स्वास्थ्य दिवस की मुख्य थीम है स्पोर्ट्स नर्सिज एवं मिडवाइस। वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस पहली बार 1950 में विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा बनाया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अध्यक्ष हैं ट्रेंडोस एंड होनोम ट्रेंडिंग। डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कब तक नासा ने चांद पर मानवीय बेस कैंप बनाने की घोषणा की? हमारे ऑप्शन 2024, 2027, 2030, 2034। इसका सही आंसर है 2024 तक। हाल ही में नासा ने घोषणा की है कि वह 2024 तक चांद पर मानवीय बेस कैंप बनाने जा रहा है, जिसके लिए वह चांद पर पहला आर्टमिस चांद के दक्षिण ध्रुव पर स्थापित करेगा। नासा की फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसके प्रशासक हैं जिम ब्रेडेन स्टाइन। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में। मेरा अगला प्रश्न, हाल ही में पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ने कितने मिलियन डॉलर का निवेश जुटाने के लिए JICA से साझेदारी की है? हमारे ऑप्शन 50 मिलियन, 75 मिलियन, 85 मिलियन, 90 मिलियन। इसका सही आंसर है 75 मिलियन। हाल ही में पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ने 75 मिलियन डॉलर का निवेश जुटाने के लिए JICA के फुल फॉर्म है जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी से साझेदारी की है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में कम आय वाले परिवारों को किफ़ायती आवास के लिए ऋण सुविधा प्रदान करना है। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के प्रबंध निदेशक हैं संजय गुप्ता। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने TDSAT के अध्यक्ष जस्टिस शिवा कीर्ति सिंह के कार्यकाल को कितने दिनों के लिए बढ़ा दिया है? हमारे ऑप्शन है 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 12 महीने। इसका सही आंसर है 3 महीनों के लिए। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने TDSAT के अध्यक्ष जस्टिस शिवा कीर्ति सिंह के कार्यकाल को 3 महीनों के लिए बढ़ा दिया है। इसकी फुल फॉर्म है टेलीकॉम डिस्प्यूट्स सेटलमेंट एंड एप्लीमेंट ट्रिब्यूनल। यह फैसला 3 जजों की बेंच ने किया है, जिसमें जस्टिस दीपक गुप्ता, संजय किसान कौल सहित चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI SA बेवड़े की बेंच ने किया है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में दिग्गज अभिनेता फॉरेस्ट कॉम्पटन का COVID-19 के चलते कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया है? हमारे ऑप्शन 74 वर्ष, 84 वर्ष, 94 वर्ष, 100 वर्ष। इसका सही आंसर है 94 वर्ष में। हाल ही में दिग्गज हॉलीवुड अभिनेता फॉरेस्ट कॉम्पटन का COVID-19 के चलते 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। कॉम्पटन लंबे समय से चले
ओपरे द एज ऑफ नाइट में जिला वकील माइक करर की भूमिका निभाने वाले निभाने के लिए प्रसिद्ध थे। और अगला प्रश्न, हाल ही में मोहम्मद जिब्रिल का निधन COVID-19 के चलते हुआ है, वह किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? हमारे ऑप्शन लीबिया, ब्रिटेन, सूडान, माली। इसका सही आंसर है लीबिया। हाल ही में लीबिया के पूर्व प्रधानमंत्री महमूद जिब्रिल का निधन COVID-19 के चलते 73 वर्ष की आयु में हो गया है। उन्होंने 2011 के बाद लंबे समय से प्रधानमंत्री रहे मुअम्मार उल गद्दाफी को प्रधानमंत्री की गद्दी से हटाकर अपनी सरकार का गठन किया था। लीबिया के मौजूदा प्रधानमंत्री हैं फेज अल सर्राज। इसकी राजधानी है त्रिपोला। मेरा अगला प्रश्न है, हाल ही में डोपिंग के चलते किस देश के वेटलिफ्टरों पर टोक्यो ओलंपिक 2020 पर बैन लगाया गया है? हमारे ऑप्शन थाईलैंड, मलेशिया, दोनों इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है थाईलैंड और मलेशिया दोनों को, सी ऑप्शन इसका। हाल ही में IWF के IMFSP ने थाईलैंड और मलेशिया के वेटलिफ्टरों डोपिंग के मामले में टोक्यो ओलंपिक 2020 में हिस्सा लेने पर बैन लगा दिया गया है। IWF की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन। IMFSP की फुल फॉर्म है इंडिपेंडेंट मेंबर फेडरेशन सेक्शन पैनल। मेरा अगला प्रश्न है, विटानिया ने जरूरी वस्तुओं की डिलीवरी के लिए किसके साथ समझौता किया? हमारे ऑप्शन है फ्लिपकार्ट, अमेजोन, डूंजो, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है डूंजो के साथ। पैकेज्ड फूड कंपनी ब्रिटानिया इंडस्ट्री ने अपने उपभोक्ताओं को उत्पाद पहुंचाने के लिए ऑनलाइन डिलीवरी प्लेटफॉर्म डोनजो के साथ साझेदारी की है। ब्रिटानिया इंडस्ट्री ने ब्रिटानिया एसेंशियल स्टोर भी लॉन्च किया है, जो डोनजो ऐप पर उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध होगा। ब्रिटानिया इंडस्ट्री के अध्यक्ष हैं नुस्ली एंड वाडिया। इसके प्रबंध निदेशक हैं वरुण वेरी। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय मूल की किस सांसद को भारत की छाया विदेश सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? हमारे ऑप्शन है लिसा नंदी, बिली एलिस, लाडा गागा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है लिसा नंदी। यूनाइटेड किंगडम में लेबर पार्टी के नव निर्वाचित नेता सर कीर स्टारर ने भारतीय मूल के सांसद लिसा नंदी को अपनी छाया विदेश सचिव के रूप में नामित किया है। लिसा नंदी 40 वर्ष की आयु में ग्रेटर मैनचेस्टर के विगान से सांसद हैं। वह एमिली थानबेरी की जगह लेंगी, जो पूर्व नेता जेरेमी कोर्बिन की छाया कैबिनेट की भूमिका में थी। हमारा अगला प्रश्न है, और आज का हमारा आखिरी प्रश्न है, हाल ही में किसे बायोटेक्नोलॉजी में किए गए अनुसंधान के लिए ओम प्रकाश भसीन पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? हमारे ऑप्शन है प्रोफेसर सादिक खान, प्रोफेसर दीपक मिश्रा, प्रोफेसर असद उल्ला खान, प्रोफेसर ओबेद सिद्दीकी। इसका सही आंसर है प्रोफेसर असद उल्ला खान। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जैव प्रौद्योगिक इकाई के समन्वयक एवं प्रसिद्ध बायोटेक्नोलॉजिस्ट प्रोफेसर असद उल्ला खान को बायोटेक्नोलॉजी में किए गए अनुसंधान के लिए ओम प्रकाश भीषण पुरस्कार 2019 प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। यह पुरस्कार देश भर के उन सम्मानों में से एक माना जाता है और कृषि विज्ञान, जैव प्रौद्योगिक, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों को दिया जाता है। इस पुरस्कार के साथ 1 लाख रुपए का नगद इनाम भी दिया जाता है। इससे पहले यह पुरस्कार पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम, AMS स्वामीनाथन, KG मेनन सहित प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिकों को दिया जा चुका है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप मेरे YouTube चैनल टारगेट विद मलिक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसके बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।